सस्ते राशन के दुकानों से तेल के साथ साथ दालें भी गायब हो गई हैं। अधिकतर राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह में एक दाल से ही संतुष्ट होना पड़ा है। राशन कार्ड धारक भी आधा अधूरा राशन मिलने से परेशान हैं। उन्हें इस बार भी बाजार से महंगे दामों पर राशन खरीदना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के राशन कार्ड धारकों को इस माह तेल नहीं मिल पाया। हालांकि अधिकतर राशन कार्ड धारकों को दालों में सिर्फ दाल चना से ही संतुष्ट होना पड़ा है। सस्ते राशन के दुकानों में तेल के साथ साथ दालें भी गायब हो गई हैं। अधिकतर राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह में एक दाल से ही संतुष्ट होना पड़ा है। राशन कार्ड धारक भी आधा अधूरा राशन मिलने से परेशान हैं। उन्हें इस बार भी बाजार से महंगे दामों पर राशन खरीदना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के राशन कार्ड धारकों को इस माह तेल नहीं मिल पाया है। हालांकि अधिकतर राशन कार्ड धारकों को दालों में सिर्फ दाल चना से ही संतुष्ट होना पड़ा है। राशन कार्ड धारक भी आधा अधूरा राशन मिलने से खासे परेशान हैं। उन्हें बाजार से हर माह महंगे दामों पर तेल व दालें खरीदनी पड़ रही हैं। किसानों को 5.5 किलो चावल और 12.5 किलो आटा प्रति कार्ड दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो दालों के टेंडर देरी से होने से ये दिक्कत आई है। हालांकि तेल के टेंडर भी हो चुके हैं। ऐसे में जल्द ही दालों व तेल की खेप हमीरपुर पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को जुलाई माह में भी दालों से वंचित रहना पड़ा था। ऐसे में महंगाई के दौर में इतने कम राशन में राशन कार्ड धारकों को रसोई घर का खर्च निकालना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आधे अधूरे राशन ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। डिपो में कभी दालें गायब तो कभी तेल गायब हो जाता है। उन्हें लंबे समय से पूरा राशन एक साथ नहीं मिल पाया है।